नमस्कार, मैं शालिनी वर्मा, रेकी मास्टर टीचर, अपनी रेकी की इस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पाठशाला में अब तक आपने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कॉर्ड्स के बारे में, कैसे इन कॉर्ड्स को काटें और क्या ये कॉर्ड्स होती हैं। शुरुआत हम करते हैं कॉर्ड्स होती क्या है। कॉर्ड्स होते हैं कुछ ऐसे अनदेखे बंधन, कुछ ऐसे अनदेखे धागे जो हमको दूसरे व्यक्ति के साथ जोड़े हुए रखते हैं। केवल व्यक्ति के साथ जोड़े हुए रखे ऐसा नहीं है, कॉर्ड्स हमारे किसी व्यक्ति के साथ, किसी प्लेस के साथ और किसी वस्तु के साथ भी जुड़े हुए हो सकते हैं। कभी कभी होता है ना कि हमको किसी पुरानी चीज से बहुत लगाव है, भले ही वो चीज हमको हमारे घर में जगह घेरे हुए रखने की जगह नहीं है, लेकिन हमारा कुछ अटैचमेंट है उसके साथ में। तो कॉर्ड्स होते हैं ऐसे ही बंधन जो हमको किसी भी चीज के साथ बहुत ज्यादा अटैच किए हुए रखते हैं। कॉर्ड्स को हम ज्यादातर निगेटिव फॉर्म में लेते हैं। कॉर्ड्स जो होते हैं या तो किसी डर की वजह से या तो किसी बहुत ज्यादा निगेटिविटी की वजह से हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं, और कॉर्ड्स को हम जब भी लेते हैं एक निगेटिव फॉर्म में ही लिया जाता है कि उनसे हमारी कहीं ना कहीं एनर्जी ड्रेन हो रही है। अगर पॉजिटिव कॉर्ड्स किसी के साथ हमारे जुड़े हुए हैं तो फिर भी ठीक है, लेकिन निगेटिव जो कॉर्ड्स होते हैं ना, उनको हम निगेटिव फॉर्म में इसलिए लेते हैं। मान लीजिए आपके कॉर्ड्स किसी व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, उस व्यक्ति में कोई निगेटिविटी आई या कोई बीमारी आई तो वो चीजें आप पर भी असर डालेंगी। तो इसीलिए कॉर्ड्स को हम पॉजिटिव कम लेकर हमेशा निगेटिव फॉर्म में ज्यादा सोचते हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको उसकी तबीयत खराब हुई, उसकी उसकी एनर्जी कुछ ड्रेन हुई तो आपकी एनर्जी भी ड्रेन होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप और वो दोनों तो जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए कॉर्ड्स हमेशा हमारे किसी के भी साथ न जुड़े हुए हो, हमेशा कॉर्ड्स को कट कर लेना चाहिए, चाहे वो आपके अपने ही लोग क्यों ना हो। दूसरी चीज, कॉर्ड्स को लेकर जो मन में एक ख्याल रहता है कि क्या हमारा रिश्ता टूट जाएगा कॉर्ड्स अगर हमने काटे, तो आपका रिश्ता बिल्कुल नहीं टूटेगा। चाहे आप किसी से भी अपने कॉर्ड्स काटे, माता पिता, दोस्त, परिवार, रिश्तेदार, कोई वस्तु, किसी भी चीज के साथ आप कॉर्ड्स काटे, रिश्ता नहीं हमारा कटता। हमारा बंधन जो जुड़े, जो धागा हमको और उनको जोड़े हुए है, हम उस धागे को काट रहे हैं सिर्फ ताकि उनकी ओर में अगर कोई निगेटिविटी आई है तो वो निगेटिविटी हमारे ऊपर असर ना डाले। केवल हम इसलिए कॉर्ड्स काटते हैं, बाकी रिश्ते तो जैसे हमारे हैं वैसे ही रहेंगे। तो कॉर्ड्स को इस फॉर्म में ना सोचा जाए कि माता पिता के साथ हम अपने कॉर्ड्स क्यों काटे, वो तो हमारे पिता है, माँ है, क्यों काटे। केवल इसीलिए काटे कि कोई निगेटिविटी हमारे ऊपर असर ना डाल दे। इसीलिए हम हीलिंग करने के बाद अक्सर कॉर्ड काटते हैं। जरूर ध्यान से आपको कॉर्ड काटना जरूरी होता है ताकि आपकी एनर्जी किसी भी कारण से ड्रेन ना हो। तो साथियों, ये तो हो गई कि कॉर्ड्स क्या होते हैं और क्यों आपको काटने जरूरी है। अब कॉर्ड आपको काटने कैसे हैं? जब आपको कॉर्ड कट करना हो तो सबसे पहले रेकी शक्ति को अपने हाथ में बुलाइए। रेकी को अपने हाथ में बुलाने के बाद उस व्यक्ति को इमेजिन करिए जिस व्यक्ति के साथ आपको कॉर्ड कट करना है। जब आप इमेजिन कर लें तो आपको क्या करना है कि मन में ये सोचिए कि ईश्वर उसकी भलाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, और मन में सोचिए कि मुझसे जाने अनजाने कोई भूल हुई हो आपके प्रति तो मुझे माफ कर दें और ईश्वर आपको सदा खुश रखे। इस तरह से अपने मन में भावना रखते हुए अपने हाथ में एक कैंची, या तो इमेजिन करें कि आप कैंची पकड़ें या फिर अपनी उंगलियों को इस तरह से भी कैंची आप बना सकते हैं, इस तरह से भी कैंची आप बना लें और अपनी नाभि के पास से 3 बार ऐसे कर दें, कट कट कट, यानी आपने उस कॉर्ड को काट दिया जिस भी व्यक्ति के साथ आपको काटना है। कॉर्ड आपने काटा, मतलब आपने हाथ की कैंची से कॉर्ड ऐसे काट लिया, इमेजिन किया, उसके बाद जो कॉर्ड है उस कॉर्ड को आप इमेजिन करिए कि अच्छी भावना के साथ आपने वॉयलेट फ्लेम में जला दिया, ठीक है, या फिर आप चाहें तो उसको यूनिवर्स में भी मिला सकते हैं, क्योंकि हम सभी ब्रह्मांड से ही बने हुए हैं, वहीं की एनर्जी हम में काम करती है जिससे हम सब जीवित हैं।
तो सभी सही और गलत चीज को यूनिवर्स तो एब्जॉर्ब ही कर लेता है। तो या तो इसको वॉयलेट फ्लेम में उस कॉर्ड को आप जला दें, या फिर उसको यूनिवर्स में मिक्स कर दें, मिला दें यूनिवर्स में कि अब ये कॉर्ड कट चुकी है। उसको व्यक्ति को थैंक यू बोले जिसके साथ आपने कॉर्ड कट किए, ईश्वर को थैंक यू बोले, और इस तरह से हम कॉर्ड काट देते हैं। कॉर्ड काटना कोई बड़ा प्रोसेस नहीं होता, एक इमेजिनेशन होता है कि आपको उस व्यक्ति से या उस स्थान से अपना कॉर्ड आपने कट कर लिया, ऐसे उंगली की कैंची बनाई और नाभि के पास से आपने कट कर दिया। तो साथियों ये होता है कॉर्ड कटिंग। क्यों कॉर्ड कटिंग करना जरूरी है और कैसे की जाती है वो मैंने आपको बताया। अगले वीडियो में मैं आपको कॉर्ड कटिंग का मेडिटेशन भी बताऊंगी ताकि आप पूरा कॉर्ड कटिंग का प्रोसेस समझ जाएंगे, तो आपको कॉर्ड कट करने में कभी परेशानी नहीं आएगी। कुछ और जानना चाहें तो कमेंट्स में लिखिएगा, मैं और भी टॉपिक्स पे आपको रेकी के बारे में अपनी पाठशाला में समझाऊंगी। थैंक यू।